ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में बताने वाला हूं कितने मार्क्स का है, मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, क्या करना है, सब मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग स्टडी शुरू करने से पहले कितने चैप्टर्स हैं, 8। देखा जाए तो सबसे छोटा चैप्टर में से एक है चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। अच्छा, हर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड ने यहाँ पे कंपिटेंसी स्टेटमेंट दिया है, तो सिलेबस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ये जो क्वेश्चंस है ऑटोमेटिक, ये क्या बन जाता है, आपका सिलेबस बन जाता है। हम क्या करेंगे, ये चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है वो भी हम देखेंगे, जिससे आपको एक अंदाजा आएगा कि क्वेश्चन क्या इस एक्सरसाइज जो कि है इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से आया है या बाहर का आया है, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ाई शुरू करो तो आपके पास कुछ चीजें होना एब्सोल्युटली जरूरी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर का कंटेंट क्या है, तो आपके सामने ये कंटेंट है। दूसरा नंबर, कभी भी पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको देखना होगा मार्क्स कितना है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे बोर्ड है ना, उसमें यही चैप्टर रहता है, आपका सीबीएसई बोर्ड में भी नॉर्मली यही चैप्टर रहेगा। नाउ मार्क्स विद ऑप्शन 12 है और टोटल मार्क्स कितना है इसका, 7 है। कंपेयर टू द क्वेश्चन एक पता अंदाजा आता है कि इसमें ये मार्च 2022 का पेपर है, बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से नॉर्मली नहीं आएगा। ठीक है, ये डिफाइन बैंक बिजनेस सर्विसेज का जो है उसमें से आया है और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो आखिरी चैप्टर में से आया है। सो आपको एक तो गारंटी लेना होगा कि 8 मार्क का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो इस चैप्टर में से नहीं आएगा। इतना पक्का हो गया, इसका मतलब कि आपके पास रह जाते हैं मुश्किल से कंसेप्ट या क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन, नेचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अब ये जो 1.1 और 1.2 है, ठीक है, इसको जोड़ के मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वही आपका 1.1 और 1.2 हो जाएगा, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट बताता हूँ। सो इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन दिया है, इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। नाउ सबसे पहले आप देखो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ये लिख पाओ बेटा, ये लिख, आपने स्टार्टिंग में भी ए मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, बी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सी डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल और एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ये आपने लिख दिया, तो अंडर का मैटर ज्यादा रीड नहीं करेगा, क्योंकि इतना थरो प्रिपरेशन आप लेकर आ रहे हो। भाई मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, मैं एग्जाम में ऐसे ही लिखता था ए बी सी डी, और फिर आपका बन जाएगा ई, जो कि यदि उन लोगों ने कुछ पूछा है क्वेश्चन एक्स्ट्रा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या करोगे, आपका ए बी सी डी ये होगा। चलो इसमें से मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल भी मिस हो गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और पी डेफिनेशन एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो। यदि आप पूरा लिखते हो तो आपका ई बन जाएगा ये जो क्वेश्चन है, विच इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक कॉमन सेंस है इस चैप्टर में आपका ये नंबर 1, ठीक है, मैं लिख के बताता हूं तो शायद ज्यादा इजी पड़ेगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे, सो इस चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन 1 हो सकता है, बराबर है, एक्सप्लेन नेचर, ये 4 और 5 मार्क्स के ऊपर नहीं आएगा, डू यू एग्री।
दूसरा सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये दूसरा थेरीज ऑफ मैनेजमेंट, इसका ना डाउटफुल एग्जाम के लिए, ये तीसरा और ये चौथा। सिर्फ चार क्वेश्चन करने हैं, कितने? चार। उसमें भी एक खासियत बताता हूं, जो हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, इन लोगों ने कितने दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स। ये बीबीए सेमेस्टर वन या बीकॉम या एमबीए या बीएमएस, जो भी कोर्सेज हैं, उसमें 14 के 14 प्रिंसिपल्स। सिंस ये क्वेश्चन 8 नंबर का नहीं आएगा, आप 14 मत, कोई भी 6 कर लेना। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ क्वेश्चन पेपर की मदद से, ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि आने का चांस रहता ही है 2022 में, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयर। ये लोग 14 के 14 कैसे पूछ सकते हैं? 14 पूछा तो कितने मार्क का आना चाहिए? 8 मार्क का। लेकिन 8 मार्क के दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी है, तो इस चैप्टर में से आपने वो 14 के 14 प्रिंसिपल के बजाय सिर्फ 6 किया तो भी आपका काम, 5 प्लस 1 एक्स्ट्रा 6, एक भूल गए एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छा, ये मार्च 2022 में पूछा था, इसका मतलब 23 में इंपॉर्टेंस किसका आ जाता है? दूसरा हेनरी फेयोल का। दूसरा कौन है? टेलर। उसका रेलेवेंस बढ़ जाता है। बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं, 2022 में पूछा था ना तो 2023 में नहीं आएगा, ये एज्यूम करते हैं। लेकिन ये जो पेपर है आपका, इसमें से एक कितना 80 है, 5 से 10 मार्क का रिपीट होएगा। कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट जरूर करेंगे, एब्सोल्युटली अलग पेपर नहीं आए। अच्छा, अभी हम देखते हैं, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम, ये एक क्वेश्चन 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ठीक है। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाकी तो होगा नहीं, ये 5 है तो 5 अलग अलग चैप्टर से होंगे, डू यू एग्री? और मैंने फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स भी दिए हुए हैं, उसकी वीडियोस मौजूद है, तो वो देख लेना। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी 2 मार्क हुआ, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन कितना हुआ? 3 मार्क हुआ। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर में नहीं पूछा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग इंश्योरेंस, देखो नहीं पूछा है। ये केस स्टडी किसका है? ऑर्गेनाइजिंग अलग चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर सी टू सी अलग चैप्टर का है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में डिस्टिंग्विश भी लगभग नहीं आएगा, मतलब आपके पास यहाँ पे भी देखो नहीं पूछा है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जस्टिफाई पूछा है, और यहाँ पे फेयर, और मतलब देखा जाए तो कितने मार्क का पूछा है, ये कितना हुआ? एनी टू, मतलब 1 हुआ, डू यू एग्री? 5 मार्क का। तो ये आपका एक क्वेश्चन है 5 मार्क का, यहाँ पे इन लोगों ने एनी टू, मतलब ये 4 मार्क का, कितने मार्क का हुआ बताओ? 4, 5 और 4 9, ठीक है। हम इधर जाते हैं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, 9, इधर भी कुछ दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं भाई, सब अलग चैप्टर। 9 और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये 1 10, 1 11 और 1 12। अभी हम कंपेयर करते हैं विद, ये आ गया ना विद ऑप्शन 12। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इन्होंने, बोर्ड ने जो ये दिया है, ये पूरे तरीके से सही है, 12 मार्क्स का आएगा। आपका 80 मार्क्स का पेपर है, कितना परसेंट हुआ? 15% हुआ, 80 मार्क्स का 12 मार्क्स। और क्वेश्चन आपको करने कितने हैं? कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? मुश्किल से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? ये 1 2 3 4। अच्छा, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट में आपको बताता हूँ उसका रेलेवेंस कितना है। मतलब मैं थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, मुझे नहीं लगता है इसका कोई खास है, और एग्जाम में पूछा तो भी आप FW टेलर और हेनरी फेयोल का बारे में बोल देना। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपको थियरीज ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे थियरीज है, ये हम PBA में सिखाते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, बहुत सारे थियरीज है, पर तुमको सिलेबस में नहीं है वो, क्योंकि वो एडवांस सब्जेक्ट एक होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशन, एक क्या बोला, ये स्क्रीनशॉट से कर लो तो आपका इधर काम ही हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब ये आप स्टडी करोगे, जब आप शुरू करोगे, उसके बाद आपको क्या पूछा है? नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
अच्छा इसमें पॉइंट्स कितने हैं? 7 दिए हुए हैं। अब दिक्कत यह है कि 7 दिए हुए तो ये लोग 4 मार्क के ऊपर तो पूछ नहीं सकते, लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो आप ये सिर्फ डायरेक्टली 1 2 3 4 5 शुरू करेंगे तो चेकर कितना देगा? 2.5 3 3.5। तो 4 में से 4 मिलने के लिए आपको एक्सपेक्टेड क्या है? नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला तो आप ABCD बोलो और आपका बनेगा ई, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ABCD कर दिया। 1, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और इसमें मैं एक और चीज बोलूंगा जो इसमें मिसिंग है कि एग्जाम्पल आप 2 लाइन लिखे, इफ यू सी सिंपल सा है। अच्छा एक सवाल स्टूडेंट्स पूछेंगे कि कितना पेज लिखना है, आपने ABCD बता दिया, अब पेज का रेलेवेंस कम हो जाता है क्योंकि चेकर को पता चल गया बंदे में नॉलेज है। लॉजिक समझ में आया? बस यहाँ पे एक और चीज जोड़ दो, एग्जाम्पल जो इन लोगों ने दिया है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं लिख दू यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो आएगा क्या, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ठीक है इज एप्लीकेबल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑफ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल कंट्रीज, डू यू एग्री? थोड़ी हैंड राइटिंग फास्ट लिख रहा हूं, बट ऑल कंट्रीज मतलब आप क्या करोगे, एग्जाम्पल जोड़ दोगे। और अच्छा ये 4 लाइन लिखोगे टाइप दे तो आपका बनेगा 8 लाइन। आप 2 3 लाख खुद, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, इट अप्लाइज एवरीवेयर टू ऑल द कंट्रीज रिगार्डिंग साइंटिफिक एंड, खुद के वर्ड्स में थोड़ा लिख सकते। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, उसका एक रीडिंग करके खुद के वर्ड से लिखा तो भी चलेगा, एग्जाम्पल जोड़ दो। अच्छा एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या सर 7ों के 7ों पॉइंट में लिखा? अब मैं क्या करता था, जब मैं मुझे हाईएस्ट मार्क्स आते थे मैं फर्स्ट में जरूर एग्जाम्पल लिखता था, 5th 6th 7th में एग्जाम्पल डाल देता था, 2nd 3rd 4th में मिस भी हो गया तो एंडिंग में एग्जाम्पल दिखता है ना। आप सब जगह मत लिखो लेकिन आपको आ रहा है तो सी, आप ओवर लिखोगे 4 मार्क का तो भी दिक्कत है। एक आइडिया बताता हूं, कितने मार्क का पेपर है बताओ? ये आपका आ गया 80 मार्क्स। कितना टाइम है? 3 आवर्स। 4 मार्क मतलब कितना हुआ? 5% हुआ। 180 मिनट्स का 5% कितना हुआ? 9 मिनट। तो आपके पास 10 मिनट के ऊपर है ही नहीं। सो आप क्वांटिटी तो लिखना पड़ेगा लेकिन आप प्रेजेंटेशन करोगे ABCD फॉर्म में तो आपका पूरा काम हो जाएगा। 7 पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, ये 4 मार्क के लिए ये लोग इतना ज्यादा लिखते हैं कि 10 मिनट का 15 मिनट करते हैं। और अक्सर आपका प्रीलिम्स भी आपने दिया होगा और आपने स्टडी किया है तो आपका 8वां क्वेश्चन मिस हो गया होगा या आप कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे पेपर, यदि आप आपने सारे क्वेश्चन लिखे हैं डिटेल में। सो यहाँ पे बच्चे फंस जाते, मतलब दिक्कत यह आता है कि ये जो 5th और 6th जो है इसको ओवर एक्सपांड कर देते हैं और इसको जो 5th 6th 7th को ओवर एक्सपांड करके लास्ट क्वेश्चन जो है ना उसको शॉर्ट कर। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आना ही नहीं। नॉर्मली मैं प्रेफर कैसे करता हूं, यदि मैं आपको स्टडी करने का एडवाइस करूं और मैं 20 साल के तजुर्बे और 13 क्वालिफिकेशन और 8 बुक के बाद बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन नंबर 1.3 से मत शुरू करो, मेरा एक स्टडी पैटर्न में बोलूंगा ठीक है। आप शुरू करो सबसे इजी जो है हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। अच्छा ये 14 प्रिंसिपल्स के जो प्रिंसिपल है ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे लागू होते हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी में बोल सकते हैं कि एक सपोजिटली एक प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का सेंट्रलाइजेशन, उसमें आप क्या बोलोगे, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इन सम ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, सम ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, इन सम मिक्स इज रिक्वायर्ड। सो बेस्ट है बैलेंस अप्रोच, मतलब बोलने का तात्पर्य वो आप हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल कर लेते हो और आप साइंट। अच्छा इसमें मैंने कोई भी 6 बोला है?
अभी इसको याद भी रखना आसान है, तुम्हारे प्रिंसिपल के बारे में सोचो। प्रिंसिपल मैंने बताया था ना, दो क्लासरूम है, एक साइंस का रूम है, एक कॉमर्स का रूम है, डिवाइड कर दिया। एक साइंस के टीचर के पास अथॉरिटी है, कॉमर्स के टीचर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइंस के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन, कॉमर्स के टीचर कमांड करती है। हो गए ना 4 पॉइंट? फिर तुम क्लासरूम के बाहर जाते हो, डायरेक्शन करते हो, उसके बाद सेंट्रलाइज तुम गेम खेलते हो। कितना हो गया ना 6 पॉइंट? गेम खेलने का तुमको रेमुनरेशन मिलता है। हो गए 6 पॉइंट, पूरे 14 पॉइंट लर्न भी करने की जरूरत नहीं। आपके 6 पॉइंट हो गए। यही 6 पॉइंट ठीक है, आप पहले दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। लॉजिक समझ में आया? आप खोज सकते हो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, सारे पॉइंट्स फ्लेक्सिबल है। तो ये 6 पॉइंट, और इसमें भी जो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मेरा एक एडवाइस है, आप ये पॉइंट जरूर करना, क्योंकि ये चार्ट है। आपने आंसर में मैटर कम लिखा, चार्ट ड्रॉ किया, तो आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। आप 14 पॉइंट में कितना भी मैटर लिखो, लेकिन आपने ड्राइंग बता दिया। एक्चुअली ड्राइंग में बता दूं क्या है, इफ ये डी अकाउंट्स मैनेजर है, या अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, जी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं, टी को अपने सुपीरियर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको परमिशन के लिए एक, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, ये जो है ना गैंग प्लैंक, डायरेक्टली डी जी से बात कर सकता है। यदि आपने 5 से 6 में से ये कर दिया, अच्छा ये जो कंसेप्ट है 5 6, बाकी एक बार रीडिंग इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में यदि इन लोगों ने एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कर दिया सेंट्रलाइजेशन, तो आप क्या लिखोगे? आप 6 ही लर्न करोगे, लेकिन बाकी के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक 14वां प्रिंसिपल है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया? ये इन लोगों ने कंसेप्ट में डाल दिया, तो आप कहां जाओगे? लॉजिक समझ में आया? आप 6 लर्न करो और 14 के कंसेप्ट समझो। और इसका भी एफ डब्ल्यू टेलर का, यदि जो प्रिंसिपल्स है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके टेक्निक्स है, आपने ये भी पहले कर दिए, मतलब हेनरी फेयोल और टेलर करने के बाद आपको जो पहले दो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। कौन से? थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने हेनरी फेयोल और एफ डब्ल्यू टेलर किया हुआ। मतलब देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, कौन सा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इजी हो जाता है। अब ये भी मैं बता दूं, ये कहाँ कहाँ पूछा गया, मेरे पास एक वर्ड फाइल में कहाँ कहाँ पूछा गया, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले दो क्वेश्चन ठीक है कहाँ पे पूछे हैं वो भी बता दूं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल देखो, मार्च 2015, जुलाई 2018, ये पुराना सिलेबस था, नया सिलेबस नहीं है। नया सिलेबस 2022 का आई थिंक फर्स्ट पेपर था। ये पूछा था, और जो इंपॉर्टेंस है आपका, देखो साफ पता चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि इन लोगों ने 2022 में इंपॉर्टेंस नहीं पूछा है, हम लोग एक बार ढूंढ लेते हैं, जस्टिफाई पूछा है, इसका मतलब जस्टिफाई से ये हट के, शायद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल हट के, इंपॉर्टेंस आने का चांस बढ़ जाता है। लिखो इंपॉर्टेंट है भाई, मार्च 2023 के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आने का पूरा चांस है, क्योंकि एग्जाम में पहले काफी बार पूछा है, मैंने ये सब जमा करके रखा है। ये और आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2015, मतलब साफ है कि इंपॉर्टेंस आएगा। और उसमें भी देखो एबीसी फॉर्म में मैंने आंसर दिया हुआ है। इस चैप्टर का मार्च 2023, ऑफकोर्स ये आगे के एग्जाम में भी लागू होगा, बट ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, साफ इधर मैंने दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फर्स्ट, अभी सिंस ये 2022 में आया था, कौन सा, हेनरी फ्योल का, ये 2022 में मार्च में आया था, और रिपीट भी होता, देखो इधर 19 20 22 रिपीट भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला। और जो एफ डब्ल्यू टेलर है वो भी देखो पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये लोग पूछते हैं, और ये अक्टूबर 2014, मतलब कि ये चैप्टर में 2023 के अटेम्प्ट के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 4 से 5 मार्क का ये आएगा। लेकिन
जस्टिफाई से वो लोग अभी हटाने का चांस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब एक और क्वेश्चन 5 मार्क का, ये लोग F.W. टेलर का डाल सकते हैं। या अच्छा अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं जस्टिफाई क्या इसमें दिया था, यस और नो वो भी पता लग जाए। अभी हमारा ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज है। अभी चेक करते हैं कि क्या ये एक्सरसाइज में से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, तो आपको एक अंदाज आएगा कि ऑब्जेक्टिव बाहर से आया। देखो क्या कहा था, 2022 का पेपर, मेंबर्स ऑफ इरा, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम। अभी ये बाल भारती का मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम। अच्छा इसका मैंने फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स भी बनाया हुआ है, एक बार वीडियो देख लो, आपका 100% दो मार्क तो पूछेंगे ना। अब मैच द पेयर से, मैच द पेयर में आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। चलो चेक करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसका मतलब इन लोगों ने 2022 बाल भारती के एंड का एक्सरसाइज का फुल फ्लेजेड यूज किया है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हम कोरिलेट कर रहे हैं बाल भारती के चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस और एग्जाम के क्वेश्चन मैच हो रहे कि नहीं। ओके अभी हम आते हैं सी में, डिसेंट्रलाइजेशन, वन वर्ड। अभी वापस इधर आते हैं, द स्टडी ऑफ मूवमेंट, गिव वन वर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन मीन। मतलब इसमें लग रहा है मिस कर दिया, फिर भी मैं एक बार आपको बताऊं, आया कि नहीं, टेक्निक ऑब्जर्व बाय द एम्प्लॉयर टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। थैंक्स थैंक्स, नहीं ऑफ, ये ऑड वन है बेटा, ऑड वन है, गिव वन वर्ड। सो एक इन लोगों ने क्या किया है, जो है द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, ठीक है, और द स्टडी ऑफ मूवमेंट। ये मुझे ये दोनों इसका दिख रहा है, F.W. टेलर का। अब मेरा अनुभव कहता है कि F.W. टेलर के बारे में दो ऑब्जेक्टिव्स आए थे, इसका मतलब 2023 में इसका शॉर्ट नोट आ जाएगा। यहां से तो हटा देंगे ना वो लोग, तो इसका शॉर्ट नोट F.W. टेलर, हेनरी फेवाल का 5 क्वेश्चंस करो, लेकिन जो आपका क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा चांस है किसका, F.W. टेलर का। मतलब इधर से इन लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव, ये मैं शायद दूसरे चैप्टर में आ गया, मैं पीछे चला जाता। ओके सो ये पिछला चैप्टर, इसमें टेलर के आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टेक्निक्स मतलब इन लोगों ने क्या किया है, F.W. टेलर के बारे में बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसके कंटेंट में से 2 ऑब्जेक्टिव निकाले। सो दो ऑब्जेक्टिव केम फ्रॉम बाल भारती, दो ऑब्जेक्टिव केम फ्रॉम बाल भारती एक्सरसाइज, ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव केम फ्रॉम दिस कंसेप्ट, और वंस यू नो द कंसेप्ट आप आराम से कर पाओगे। अच्छा अभी हम देखते हैं, ये केस लॉज अलग है, ये कौन सा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और जस्टिफाई आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। नॉर्मली ये लोग बाल भारती के दायरा क्रॉस तो नहीं करते, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, केस लॉज इसमें भी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, पहला ही मैच हुआ। अभी और देखो, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयल, एक्सप्लेन शब्द, 2-3 शब्द इधर के उधर किए। मतलब आपका सिर्फ 2 मार्क का चैप्टर के अंदर का आया है, बाकी चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज में से पूरा पूछा है। लॉजिक समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये जो खासियत है अपने फुल चैप्टर एक्सरसाइज, आप लोग क्या करोगे, फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर मैंने क्वेश्चन 1 A B C D और क्वेश्चन 3 के केस लॉज, ये मैंने अपने फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर केस लॉ भी उसमें दे दिया। तो आपका सिर्फ आपको क्या करना है, जो कंसेप्ट है इसमें आपको अलग से कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वंस यू डू द चैप्टर आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिक उसमें होता जाएगा, मोशन स्टडी। लेकिन एक खासियत है, आप ये जो कंसेप्ट है ना एक बार कर लेना सर, क्योंकि ये कंसेप्ट एग्जाम में आता है ना, तो वंस यू नो दिस 4 कंसेप्ट इवेंचुअली आ जाता है एग्जाम में, और 4 ही है। और आप जब करोगे ये जो मोशन स्टडी है, F.W. टेलर का है,
डिफरेंशियल पीस रेट एफ डब्ल्यू टेलर का है, फटीग एफ डब्ल्यू टेलर का है, टाइम स्टडी एफ डब्ल्यू टेलर का, चारों के चारों एफ डब्ल्यू टेलर के कंसेप्ट। और ये दो केस लॉज है, हम लोग आने वाले ये चैप्टर में से केस लॉज नहीं पूछा है, बट वो फुकट के मार्क्स है। कॉम्प्रिहेंशन जैसे आता है ना, तो जब मैं बताता हूँ कौन से चैप्टर का है तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। केस लॉ, केस लॉ है ये तो इसका है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर टू का। मैं जब चैप्टर नंबर टू का अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये केस लॉ और कितना मैच करता है वो बताऊंगा। आप अभी देखना चाहते हो वो चैप्टर का केस लॉ, लेकिन अपन एक बार देख लेते हैं क्या मैच कर रहा है, क्या केस लॉ क्या अलग डाला है उन लोगों ने केस। मेरे को लगता है वो लोग केस तो मैच करने चाहिए, फिर भी यहाँ पे मिस्टर राम एंड इमर्जिंग मतलब एक्स वाई जेड अपन शब्द देखते हैं, मतलब हो सकता है आपका ये भी मैच है। पाटिल गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज, नाम से पता चलता है ये रहा। ये देखो सेम केस एक्स वाई जेड के बजाय उन्होंने नाम चेंज कर, मतलब एक्स वाई जेड के बजाय इन लोगों ने एग्जाम में क्या नाम डाला, एबीसी, बाकी शब्द तक चेंज सेम। और मेरे फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स में केस स्टडी का भी विद आंसर सॉल्यूशन दिया था भाई, वो एक बार देख लो और वहीं पे केस कर दो, मतलब केस केस तो तुम्हारा वहां पे हो जाएगा। सो तुम्हारा जब फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करोगे तो क्या करना, मैंने कितना बताया, चार क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट छोड़ दो, पहला मीनिंग। हाँ कुछ क्वेश्चन ये केस के हिसाब से आंसर लिख, मतलब नेम मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन फॉलोइंग फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें से ढूंढना है जो आंसर आपको लगता है, वन लिखने का, और फिर मिस्टर सो एंड सो इज कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको करना है काम। तो ये अच्छा, ये केस लॉ ऑलरेडी मेरा फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर में दिया हुआ है, कौन सा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, लेकिन अभी कौन सा चल रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चार क्वेश्चन है बेटा, उसमें भी मैंने बता दिया इंपॉर्टेंस आने का चांस 99% है, और एफ डब्ल्यू टेलर का ऑब्जेक्टिव हटा के वो लोग बड़ा क्वेश्चन डाल देंगे। मतलब मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा है, ये दो क्वेश्चन 4 और 5 मार्क का आएगा, या 4 और 4 मार्क का, और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क का अंदर का। लेकिन मेरा अभी स्टडी कैसे करना चाहिए, सबसे पहले मैं जब शुरू करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं यदि मैं स्टडी शुरू करूं तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं इसमें आऊंगा, पहला मेरा मार्किंग होगा ये, ठीक है, कौन सा, 1 2 और ये 3 और 4, 1.3 1.4 1.6 और 1.74, और दूसरा अप्रोच होगा वहां पे कितना 12 मार्क्स। तो आप क्या करोगे, जैसे यहां पे आता है आप यहां पे लिखोगे 12 मार्क्स विच इज 15% ऑफ द पेपर एंड यू हैव टू डू ओनली 4 क्वेश्चंस। आपको 8 मार्क के लिए करना है, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव, फुल एक्सरसाइज का देख लो बाल भारती, और फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स देख लो, पीछे भी आंसर्स दिए और मेरा भी आंसर्स उसमें पूरे दे दिया है। फुल चैप्टर एक्सरसाइज तो आप सिर्फ वीडियो देख लो तो हो जाए। यस क्वेश्चन 15 नहीं, क्या करो 5 से 6 करो, और उसमें मैंने कौन सा बताया था खास करो, जिसमें चार्ट था ये, ठीक है, कहां पे था ये। लेकिन 6 करने में एक गलती मत करना, आप क्या करोगे, 6 करोगे बाकी 8 छोड़ दोगे, लेकिन वो कंसेप्ट में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो लटक जाओगे। अभी एस्पिरिटी कॉप्स मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होना चाहिए, ठीक है, इक्विटी मतलब सबको सही का ट्रीट करो, ऑर्डर मतलब सब वस्तु सही जगह पे होनी चाहिए, ये नॉलेज रखो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ 6 किया बाकी छोड़ दिया, और ऑब्जेक्टिव तो आउट ऑफ एक्सरसाइज था तो विद एक्सरसाइज था, तो यहां पे आप कंसेप्ट पे फंसते नहीं चाहिए। आपको ये चैप्टर 1 से 2 घंटे में हो जाए, और इसके अलग से मैंने वीडियोस भी बनाए, वीडियोस देख लो उसके बाद करो, या डायरेक्टली करो, उसमें विद एक्सप्लेनेशन है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो बोर्ड ने गाइडलाइंस दिए थे
वो गाइडलाइन सेम है। केस स्टडी जो है सिर्फ दूसरे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है केस के लिए। आपका बिजनेस सर्विसेज तो केस के लिए फेवरेट चैप्टर है, मार्केटिंग के केसेस बहुत बड़े होंगे, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर के केसेस का रेलेवेंस थोड़ा सा कम है, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, सेंट्रलाइजेशन, फटीग स्टडी, तो ये जो चैप्टर है ना, इसको एक थरो रीडिंग, लेकिन आपका स्टडी शुरू होगा हेनरी फेयोल से, फिर एफ डब्ल्यू टेलर, फिर 1.3, 1.4, इस प्रकार से आप चालू करोगे मैनेजमेंट थ्योरी एग्जाम में। अच्छा एक और चीज बताता हूँ आपको, सेफ्टी लेवल कहाँ रहेगा एग्जाम में। यदि एग्जाम में आपको अटेम्प्ट 3 में से 2 करने, आपने ये पक्का कर दिया, आगे चलकर एक चैप्टर का टाइम नहीं मिला, तो सपोजिटली आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बायपास कर दिया, लेकिन आपको 2 तो मिल गया ना इसमें से, आपका छूटेगा नहीं पेपर, क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स को पक्का कर दिया है। यदि टोटल 8 चैप्टर्स है और आपने पढ़ाई शुरू नहीं किया कोविड का बहाना देकर, या पूरे साल वैलोरेंट गेम में बिजी थे, बीजीएमआई बिजी थे, लास्ट मिनट टेंशन आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर इजिएस्ट चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर है, जरूर करना चाहिए। क्योंकि बाय चांस यदि कुछ स्किप करना है, पढ़ाई नहीं हुआ, तो आपको दिमाग होना चाहिए कौन सा स्किप करना है। ये जरिया बनेगा कि कौन सा किसको यार थोड़ा सा लेट किया जाए। मैं स्किप का रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं स्किप करे, देखो तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अच्छा एक जोक बताता हूँ, ये चैप्टर का नाम क्या है, अच्छा एक यूनिक चीज बताता हूँ, अभी आप जरा देखना और मुझे बताना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप का है, ठीक है। एग्रो टूरिज्म शायद उसका है, दो, ठीक है। मुझे आप बताओ कोई भी एग्रो इस पे कहां पे दिख रहा है आपको एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप का कहां क्वेश्चन दिख रहा है? पांच पक का चैप्टर है, यूनिवर्सिटी ने उसको लिटरली ऑब्जेक्टिव्स में रखा हुआ। इसका मतलब एक है कि ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क का आएगा और 1 मार्क। और आपने एक कहावत है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, इसमें आपने ताकत लगा दिया 5 मार्क का, जबकि मेन ताकत बेटा आपका चौथा और आठवां चैप्टर आपका 50% सिलेबस कवर अप कर देता है। एग्जाम को 10 दिन बचे, कुछ नहीं आ रहा है, सर कैसे पास हो बेटा, फोर्थ और एथ कर लेगा तो। और अपने देखा है यूनिवर्सिटी ये 27 और 20 फॉलो करता है, 47, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन करो तुम्हारा 75% हो जाता है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर इसलिए करना चाहिए कि 3-4 ही क्वेश्चन है बेटा। और मैं एक और सीक्रेट बताता हूं, ये ओपन सीक्रेट है, डिस्टिंग्विश जो आता है, इफ आपको कुछ लोग चैप्टर बाय चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी रेलेवेंस देते हैं, मैं बता रहा हूं, तो ये जो डिस्टिंग्विश है, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश है, मैं आपको बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस क्या बताता है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है ना, इसमें से नहीं आएगा, इसमें से 100% आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज में याद है ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एक तो फंसेगा, एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से फंसा, एक इसमें से फंसा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक फंसेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ाई कम करना है, वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट कैसे मिले, वो मैं बताऊंगा। तो ये 3 बता दिए, और जो की बात है आपका ये पेपर देखो, 4 मैंने बताया था ना, सेकंड चैप्टर में से ये एक, ये स्टाफिंग एंड डायरेक्ट। अच्छा एक और जो है, सेकंड चैप्टर में प्लानिंग और कंट्रोलिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग जो आ गए, हाँ और यही क्वेश्चन आपके फीचर्स का भी रूप ले लेंगे, इंपोर्टेंस का भी। तो सेकेंड चैप्टर में अलग वीडियो में थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी बता दूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा इमरजेंसी में उन लोगों ने हेनरी फेयोल और टेलर डाल दिया सपोजिटली, अब ये 4 मार्क का है, आपको पॉइंट सूझ नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया बिजनेस सर्विसेज में से एक पक्का आएगा भाई, 27 मार्क का, एक तो डालना ही पड़ेगा ना उनको।
27 मार्क का है, तो एक डिस्टिंग्विश, और पिछले 40 पेपर आप देख लो उसमें से 39 पेपर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक तो आता ही आता है। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक हो गया, बिजनेस सर्विस, और ये तीन डिस्टिंग्विश ही करना है तो आप ये तीन भी चैप्टर करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अटेम्प्ट नहीं, 3-12 मार्क तो इधर ही हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्टिंग्विश रहा तो भी आपने स्किप किया तो भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ना पूछेंगे टेलर और फेयर। लेकिन अभी अपन चेक करते हैं कि क्या इन लोगों ने टेलर और फेयर के बारे में कुछ बोला है क्या और दिया है क्या है। आउट ऑफ सिलेबस तो नॉर्मली नहीं डालना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा एक और कोई चीज देखते हैं, डिस्टिंग्विश का इनका है, आउट ऑफ सिलेबस जाने का कोई तरीका है, आंसर इन वन सेंटेंस। डिस्टिंग्विश है ही नहीं, इसका मतलब आप सेफ हो अपने साइड से। ना बोर्ड ने टेलर और फेयर को अलग से डिस्टिंग्विश बनाया, ना क्वेश्चन में पूछा है। सो आपको फर्स्ट चैप्टर के 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से मैंने बोला इंपॉर्टेंस और FW टेलर का आने का चांस 99% है। लेकिन आप इतना ही करोगे, सर ने बोला इंपॉर्टेंस और FW टेलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव जाने नहीं चाहिए। आपको किसी भी हालत में एक्सरसाइज आंसर आपको सॉल्व करना है, वीडियो देखना है, या तो सॉल्व करना है पूरा पूरा। आपके फुकट के मार्के ना बेटा, 12 मार्क फुकट के हैं, कम एफर्ट्स 12 मार्क्स, ऐसा एक एक करके मार्क जमा करो। 4 क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा? बट आपका 12 मार्क जेब में आ जाता ना, इमरजेंसी में 2 दिन बाद एग्जाम है, पहला चैप्टर बिजनेस सर्विसेज और मार्केटिंग का, तो भी बंदा पास हो सकता है। और मैं तो इसमें वो भी दिमाग लगाऊं, डिस्टिंग्विश कंज्यूमर मूवमेंट का मैंने एक बनाया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, 8 पॉइंट्स 10 पॉइंट हो गया ना, 100% आएगा। एक 5 डिस्टिंग्विश दे दू, 10 डिस्टिंग्विश दे दू, तो भी आपका काम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका सीक्वेंस होना चाहिए। मैंने क्या बताया स्टडी पैटर्न कैसे होगा, आप शुरू करोगे टेलर फेयर से क्योंकि वो इजी है। आप सेकेंड क्वेश्चन में आओगे ना और आपको लगता है नहीं हम सीक्वेंस में जाएंगे, तो सीक्वेंस में जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी जगह पे होता तो हेनरी फेयर ये किया होता और उसमें अपने शब्दों से एग्जाम्पल डाल दिया होता, इसमें से निकाल के, तो आपका 1.3 1.4 हो जाएगा। सो स्टार्ट विद 1.6, देन गो टू 1.7, फिर 1.3 और 1.4, तेरीज करने की जरूरत नहीं। और एग्जाम में उन लोगों ने शॉर्टकट डाल दिया तो FW टेलर और हेनरी फेयर का डाल देना थे जो आपने लग किया। 4 क्वेश्चन 12 मार्क आपका पक्का। कोई क्वेश्चंस नहीं मस्त, तो ये कर लो और आपका काम हो जाएगा। अच्छा हर चैप्टर के मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये चैप्टर में एक्चुअली छोटा चैप्टर था ये। अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसमें क्या करना है, कैसे शॉर्टकट्स यूज करने हैं और कैसे मार्क्स आराम से पाया जाए। ठीक है, सो किसी को कोई डाउट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ये वीडियो मैं खत्म कर दूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।